लोग कहते हैं लॉ ऑर्डर खराब हो गया। अरे तो बेरोजगारी बिहार में नहीं होगा तो कहां होगा? बेरोजगारी इसलिए बिहार में होगा कि पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा घनत्व का पूरी दुनिया में प्रदेश बिहार है, सबसे डेंस पॉपुलेशन का स्टेट बिहार है। तो जब हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ बेरोजगारी भी ज्यादा होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि हम 10 लाख की नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और उन्होंने कहा अब कि हम 12 लाख नौकरी देंगे, और बोले थे कि हम 10 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। 25 लाख लोगों को रोजगार दिया है और कहा है कि हम 32 लाख और लोगों को रोजगार, 32 लाख तक रोजगार देने का काम करेंगे। तो जो नेता अपने आप प्रदेश की चिंता को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है, हमारा बिहार का बंटवारा हुआ, हमारे यहाँ हरित कितने प्रदेश, कितनी संख्या थी हमारे हरियाली की, मात्र 4.5% जब झारखंड से हम अलग हुए थे, और आज हम 14% हरियाली पर बिहार खड़ा है। किसका देन है? किसने योजना लाया? जो नेता बड़ा होता है योजना का निर्माण करता है और उसके लिए पैसे की व्यवस्था करता है और उसको धरातल पर उतारने का काम करता है। और हमारा नेता, हम गर्व से कहते हैं कि मेरा नेता मेरा अभिमान, हम गर्व से कहते हैं हम नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, जिसने पूरी तरह से भूल चूर से बिहार को बदलने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके, नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं कीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है, काम तो आपके अभी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी का वोट, आपका उम्मीदवार चार चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। अब मेरा उम्मीदवार तीन दिन चार दिन आपका दरवाजा नहीं गया तो आप कहिएगा कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, ये कैसे बात चलेगा? राजनीति थोड़ी होती है, राजनीति करना है असूल के साथ राजनीति करिए, राजनीति करना है वजूद के साथ राजनीति करिए और मुद्दों पर राजनीति करिए। हमारा नेता ने जब निर्णय कर लिया तो हम उस आदमी के साथ खड़े हैं, खराब हो चाहे अच्छा। निर्णय का विरोध सिंबल के पहले कर सकते हैं लेकिन सिंबल लेने के बाद हम निर्णय का विरोध नहीं कर सकते हैं, जिसका मतलब कि आप नेता के अनुशासन से चलते नहीं है। आज नेता हमको मंत्री बनाया, कल हमको नेता मंत्री से हटा देगा तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ गाली देने लगेंगे, तब तो मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा? तो जो सिर्फ पाने की राजनीति में नीतीश जी के साथ रहते हैं वैसे लोगों से भी होशियार आने की जरूरत है। बिहार सरकार के काबीना मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। और सबसे बड़ी बात ये कि जाति विशेष का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जब उनके घर उनकी गांव में सड़क बनवा भी दी गई तब भी अति पिछड़ा को वोट उसने नहीं दिया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के MLC नीरज कुमार। आपका स्वागत है सर, कैसे देखते हैं इस बयान को? माननीय नीतीश कुमार जी के साथ 39 वर्ष का मेरा राजनीतिक जीवन है, एक क्षण भी अलग नहीं हुए, और आज तक माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने जिह्वा पर जाति का नाम नहीं लाया। लेकिन राज्य के काबीना मंत्री हैं, कटिहार के चुनाव के प्रभारी थे, अति पिछड़ा उम्मीदवार था, वहां हार गए, कितने दिनों तक प्रवास किया था यह नहीं बताया, साथ ही साथ इस पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, टिकट देने का अधिकार उनके पास सुरक्षित है, दलीय अनुशासन के लिए माननीय उमेश कुशवाहा जी हैं, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। परिस्थिति के अनुसार कोई वोट देता है या नहीं देता है ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन उसके मन के उसमें के प्रति सामाजिक घृणा और राजनीतिक घृणा और विकास में घृणा ये हमारी कार्यशैली का अंग नहीं है। नहीं तो आखिर क्या कारण है कि मध्यपुरा हो, सहरसा हो, सुपौल हो, पूरे कोसी के इलाके में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट मेरा रहता है। तो किस सामाजिक समूह के लोग रहते हैं? बहुतायत तो दूसरे लोग हैं, तो नीतीश कुमार जी को क्यों पसंद करते हैं? नीतीश कुमार जी के विकास को पसंद करते हैं। और मेरा उपचुनाव होने वाला है बिहार में, NDA गठबंधन है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे बयान से बचना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर मंत्री अशोक चौधरी को इस तरह के बयानों से बचने की सलाह दे डाली है। सहयोगी दीपक के साथ आदित्य वैभव, पटना आज तक।